हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल भावना गुप्ता में। तो फ्रेंड्स, आज मैंने वीडियो बनाया है चंपा पर। और फ्रेंड्स, बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जो चंपा पौधा है, इसे हम प्लूमेरिया भी कहते हैं इंग्लिश में। और इसके पत्ते जो होते हैं फ्रेंड्स, वो इस तरह लंबे होते हैं और इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने ज़मीन में लगा रखा है, इस पौधे को मैंने। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली इसके जो इंडिया में अगर आप हैं तो चंपा के दो कलर्स आते हैं, एक आता है पिंक और दूसरा आता है वाइट। मैं अभी आपको वाइट कलर भी दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये वाइट कलर है, ये मैंने चंपा का पौधा लगा रखा है। फ्रेंड्स, चंपा जो होता है ये पौधा, ये गर्मी का बादशाह होता है। फ्रेंड्स, गर्मी का बादशाह क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, इसकी जो ग्रोथ है वो गर्मी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, इसे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। फ्रेंड्स देखिए, ये मई का सीज़न चल रहा है, मई का मंथ है। और फ्रेंड्स देखिए, इसकी बर्ड्स अच्छे से कितने निकल रही हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये पौधा जो होता है, मान लीजिए गर्मी में देता है 100% फूल, तो फ्रेंड्स ये सर्दी में आपको सिर्फ 1% फूल ही देगा फ्रेंड्स, क्योंकि सर्दी में इसकी ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है। और जब फ्रेंड्स फेब्रुअरी का सीज़न होता है, जिसे हम कहते हैं कि बाहर का सीज़न, तो इस टाइम जो है इसमें फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है इसके, और बहुत सारे ब्रांचेस निकल जाते हैं, इसकी बर्ड्स आने शुरू हो जाती हैं और ये खुल के फ्लावरिंग करता है। फ्रेंड जैसे जैसे बरसात का सीज़न होता है चिमचिमाती गर्मी का, तो ये मौसम चंपा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और फ्रेंड्स, इस टाइम इसमें खुल के फ्लावरिंग होती है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसकी मिट्टी की, तो आप इसमें कोई सी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो चिकनी मिट्टी हो, बालू मिट्टी हो। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एडवाइस करूँगी, अगर आप स्टार्टिंग में इसे लगा रहे हैं इसकी पौध, तो फ्रेंड्स आप इसे बालू मिट्टी में ही उगाएं, उसके बाद आप इसे किसी भी मिट्टी में शिफ्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर बात करें हम इसके पानी देने की, तो फ्रेंड्स इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसे 2 दिन बाद भी पानी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पौधा जो होता है चंपा का, ये ड्राइनेस को बर्दाश्त कर लेता है। फ्रेंड्स, इसका जो ये तना होता है, इसके अंदर मॉइस्चर होता है, इसमें से एक दूध नुमा सा लिक्विड निकलता है फ्रेंड्स, और उस लिक्विड से जो है ये अपने अंदर की जो भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसे पूरा कर लेता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिट्टी में ये प्लूमेरिया लगा रखा है। फ्रेंड्स, अगर हम चंपा को ज़्यादा दिन पानी नहीं देंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, होगा ये कि उसके पत्ते जो हैं ढीले पड़ने शुरू हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर हमने इसे ज़्यादा पानी दे दिया, यानी अगर हमने इसे ओवर वाटरिंग कर दी फ्रेंड्स, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी जो रूट्स हैं वो गलती नहीं है और ना ही वो बर्न होती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं उनका डेवलपमेंट फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा स्लो होता है। फ्रेंड्स, जो ये प्लूमेरिया है, इसके जो पत्ते हैं वो सर्दी में टूटते नहीं हैं, वो स्टेबल रहते हैं, यानी वो ज़्यादा झड़ते नहीं हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि अब हम प्लूमेरिया को लगाए कहाँ? तो फ्रेंड्स, आप इसे पौधे को पॉट में भी लगा सकते हैं, अगर छोटा पौधा है आप इसे मिट्टी में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये पौधा जो है बाकी पौधों के साथ शेयरिंग कर लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जो फ्रेंड्स रूट्स होती हैं, इसकी रूट्स खतरनाक नहीं होती है, आप इसे बाकी पौधों के साथ लगा सकते हैं, जैसा कि देखिए मैंने लगा रखा है। और देखिए फ्रेंड्स, इसकी बहुत सारी इसमें बर्ड्स आ रही हैं, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसमें कितनी बर्ड्स आ रही हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अप्रॉक्सीमेट फ्रेंड्स बहुत सारी आ रही है, मतलब कम से कम 15 बर्ड्स तो इसके अंदर आ ही रही होंगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसके फूलों में से बहुत ही ज़्यादा खुशबू आती है, धीमी धीमी, जो मन को एकदम महका देती है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एक बात और कि इसकी जो ये फूल वाली स्टेम है फ्रेंड्स, ये जो है 1 फुट तक लंबी हो सकती है, ये आप डाली देख रहे हैं। तो इसको आप काट के आप इसे किसी भी पानी की बॉटल में लगा सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, होगा ये कि आप इसे अपने इंडोर किसी भी रूम में रख सकते हैं, जैसे कि ऑफिस की टेबल पे, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं फ्रेंड्स, गेस्ट रूम में रख सकते हैं। इससे आपका रूम एकदम महक जाएगा फ्रेंड्स, खुशबू से भरा होगा।
फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप चंपा के पौधे को सैंड में ना लगाएं फ्रेंड्स, आप इसे रेत में बिल्कुल भी ना लगाएं, आप इसको लगाएं मिट्टी में। मिट्टी क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स मिट्टी जो होती है वो टाइट होती है फ्रेंड्स, और अगर आप इसे मिट्टी में लगाएंगी तो इसकी जो जड़ वो अच्छे से पकड़े रहेगी फ्रेंड्स, और ये अच्छे से ग्रो करेगा, ये सीधा रहेगा, स्टेबल रहेगा। देखिए फ्रेंड्स जैसे मेरा पौधा जो है बहुत ही स्टेबल है फ्रेंड्स, ये हिल नहीं रहा है। और देखिए फ्रेंड्स आप इस पौधे को नवंबर तक ला सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं। और ये जो पौधा था, अगर आप बड़ा पौधा लाएंगे फ्रेंड्स तो ये मेरे जितना पौधा, जैसे कि देखिए मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स कितना बड़ा पौधा है, इसमें वाइट फूल आते हैं फ्रेंड्स, जो मैंने आपको पीछे की साइड से थोड़ी देर पहले दिखाया था। मैं आपको थोड़ा गौर से दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए आपको वाइट फूल दिख रहे होंगे, ये देखिए फ्रेंड्स सामने वाइट फूल। और फ्रेंड्स यकीन मानिए मेरा सीज़न चल रहा है फ्रेंड्स, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं इस टाइम इसकी फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं फूल। फ्रेंड्स आप प्लूमेरिया को यानी चंपा को यहाँ कटिंग से लगा सकते हैं, इसे नागा ही बोलते हैं प्लूमेरिया को, इसे यहाँ से कट करके आप इसे जो है मिट्टी में लगा सकते हैं। करीब 6 हफ्ते यानी 6 वीक्स में ये पौधा तैयार हो जाएगा और ये एक न्यू प्लांट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल भावना गुप्ता को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।